मां तवन हथु मोकल ते लेखक साफी दो दो चांडो लिखे तो कराची किंगरिया संदन आखिरी सालगिरह ते इं सिंगारियो वो जी कें सिकिल के पुट की पेरी सालगिरह से सिंगारियो वो है। इन जहा कमरा गुब्बारन से भरल हुआ। काटन जो अच्छो अगो पेरे एक जमाने जो जंगी शहजादो मौजूदा दौर जो सियासी किंग मेकर पीर पागारो हर मानू सा खिली चर्चा भोग कर मिली रो हो। हुर्जमात जहा मू सियासी दोस्त साफी खानदान जहा मानू सबई के इन पांजी सालगिरह से सराया हुए। असी जैसे पीसे पगार के कमरे में दाखिल थियासी तो इन खिली खिकारींदे साफ इनके तो मुखा जेतरा सवाल पुछण चाहो था पुछी वो। छाकाण तो मां वहां तो मोकल से सालगिरह के बिन दिन बाद कराची की आगा खान अस्पताल में दाखिल थो वाकई वह मोकल से हलो हो। पर मु पीर पागार के टिन अलग स्टेजन ते वेही इंताई वेजो डिठो। एक उनमें एकड़ी स्टेज हुई जो उन हुर्जमाच के घर में पैदा थियल कें बार के पीर पागार के सिर्फ रूहानी रबर समझी सजो डी उन जा नारा हण उन जा कलाम गायण। बी स्टेज हुई सिंध के कौमी नजराती सियासत में शामिल सब कुछ सिंध सिंधी अवाम के अगर रखे पीर पागार के परखण की टी स्टेज हुई एक साफी बनी पीर पागार का सवाल जवाब कर उन सियासी सरगर्म के रिपोर्ट कर। इन वक्त जैसे इन मजमून लिखी रो आया तद मूल इंतई इम्तहान की घड़ी है तो आऊँ इन टिन्ही स्टेजन में कड़ी स्टेज चूंडे पीर पागार के बारे में लिखा। छो तो ये पीर पागार उन पीर पागार के पुट हो जैके सिंध जहा मानू सूर्य बादशाह के नाले से सुणन था। जै नंढी कुंड के इंतई मुनजब गोरेलिया वेड़ हलई तारीख में साबित कर तो सिंधी मानू जाग्राफियाई हवाले से सिंध में गोरेलिया वेड़ जो माहौल न होने बावजूद इंतई मुनजम अंदाज में गोरेलिया वेड़ विड़ी सकन था। हथें खाली होने बावजूद दुनिया की सुपर पावर अंग्रेज के टोटा चबाइंदड़ सूर्य बादशाह पांजो सजो काफिलो मैदान जंग में छड़े इन दुनिया के अलविदा कयो। ते करे पीर साई पगार के हादसियाती तौर खोड़ रस्ता वर्सी में मिलिया। एक रस्तो यो हुयो तो हुँ इन काफिले के जंगी हालत में ही रखे गोरेला वेड़ बरकरार रखे। अगर गोरेला वेड़ बरकरार रखे तो उ कंजे खिलाफ छाकाण त नंढी कुंड जे विरागो थी चुको हो पाकिस्तान ठही चुको हो हाने गोरेला वेड़ कें खिलाफ विड़े बो यो रस्तो हो तो हू पीर पागार अवल खां वठी सूर्य बादशाह ताई लागी तो हर हालत जंग में रहा। संदन मिल्कियतू नीलाम थियूं बार लोढ़न जेलन में पैदा थिया लोढ़न में ही जवान थिया न तालीम न तरबियत जेको जवान जवानी के पुजे वो तख्त तारी ते चढ़े वने। ते करे इन लुटल फुरियल जख्मिन के चूर चूर हर काफिले के बीहर मुंजम कजे पेरन ते बिहार जे मौजूदा पीर पागार वहा कोई वाट चूंडे जेते हू आखिर ताई कायम रहो। हुर्जमात के मुआशी सियासी तालीमी मैदान में न एतरो अगते आंदो जो मानू हुर्जमात के संदन एक मुंजम तंजीम सडन लगा। पीर पागार वट इन वाट ते हलन दौरान भी एकड़ी मुश्किल हुई उहा हुई तो जडे पीर पागार डेह मोटियो तो मुल्क जी आई सिंध जी सियासी स्टेज ते कब्जो हुयो। पीर पागार के हुर्जमात के बीहर पाली लाए पांजो रस्तो इख्तियार करनो पियो जेते हलंदे इन मथा तमाम घणी तनकीद कई पर पीर पागार उन जी का भी परवाह न कई। सरियाम चवंदो रहयो तो मां होरन जो लीडर आया आखिरी सालन में जडे इन हुर बदरा सिंधी इस्तेमाल कयो तो मुंह एक भेरो खाण से सवाल भी पूछो तो पीर साईं तवा पाण के हुरन जो लीडर सदाईंदा रहा आयो हाणे सिंधन जो लफ्ज इस्तेमाल पिया कयो तो हुन मुर्की चयो हुर केर आहिन जो मतलब हो तो छावर सिंधी ना आन। हुर जमात के सिंध के महकन अदीबन दानश्वरन का यह शिकायत रही आए अना भी आए तो हुरन की तहरीक के सिंधन की तहरीक न सड़ो हो। हुरन की फिलहाल आए थियल कम के सिंधन की फिलहाल आए न समझो हो जहाँ एक वही नाइंसाफी आए पर इन जिन लखें मानून के नवादे पेरन से बीहारो उर छा सिंधी न हुआ छा उन हक न हो तो उनके तालीम मिले रोजगार मिले वह पांजन पेरन से बीहन छाकाण तो सिंधन वडन अध सदी वेड़ में गुजारी हुई। इन करे पीर पागार तनकीद से ध्यान दियण बदरा जेका वाट चूंडी उनते आखिर ताई कायम रहयो। बी गाल आऊं इते लिखण लाजमी तो समझा छाकाण त आऊं रोशन ख्याल नजराती काफिले जो हिस्सो रहयो आया। ही साफी जी हैसियत में आऊं वरी दावा सा चवां तो सजे मुल्क में मथे तबके जे जिन भी मानू सा मिलियो आया उनमें मु पीर पागार जेड़ो लिबरल ऐं पाड़ू मानू बियो न डिठो। ही वाहिद पीराणी गादी जो पीर हो जै पांजे घर में पांजी न्याणी के भी पसंद की शादी जो हक दिनो हुर्जमात के बार बार ताकीद कंदो रहयो त न्याणियूं पढ़ायो पढ़ियल छोकरी अणपढ़ियल नौजवान सा न पढ़ायो बेजोड़ शादियों न करायो दरगाह के मर्द औरत के बराबर हक हासिल हुआ। इन घर की लाइब्रेरी में दुनिया जो हर किताब इंद हो आटोनाबोग्राफी संदन पसंदीदा मजमून हुयो तारीख की बड़ी जान होस इन करे हर सवाल जो जवाब कें न कें तारीख हवाले से दींद हो जो घणन मानून के समझ में न इंद हो सियासी हवाले से इन पांजो वजन एडो तो बरकरार रखियो जो हर को वट से हली इंद हो पान कें वट भी न हली वो जी भी गाल दिल में होंगी हुस चई दींद हो।
मुखे याद आए परवेज मुशरफ सा मुलाकात दौरान कें साफी पुछो तो परवेज मुशरफ तावट हली आयो आए तवा अच्छा था चो फौरी तौर चाऊं ये तो दिल्ली जो ठग मिलन आयो आए मिलास तो एड़ी रीत वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी वट मिलन आयो असा जे रूबरू चाई तो बचो असा जो आए पर नालायक जे वर चढ़ियल आए पागारो को आवाम आजार पीर न हो संदन खानदानी दरगाह ते मेलो भी न लगंदो आए हू पांजी जमात सा ईदू भी गद कंदो हो ये दुनिया जी मुनफरद जमात आए जेका रुगो खुशी जे दिन के सेलिब्रेट कंदा आइन के वर्सियो मलाए मेला लगाए दी नाइन मलाईंदा मुक पोड़े हो रखा उन जो कारण पूछो इन जो चवण हो असा होरन तारीख में एडा दुख डिठा आइन हाने दुख बदरा गद जी खुशी मलाईंदा आयो खुशियों विरिंदा आयो ईदू गर्जी मल्हाईंदा आयो हि वाहिद पीराणी गादी आए जेका धागा फिणा ना डींदी हुर्ज वाहिद पांजी जोहर आई मुकम्मल तौर लिबरल आई एडवांस जमायत आए संदन रबरन उनते अमल कयो आए ते करे सिंध जी अदीबन महककन तारीखदानन के हुर्ज वाहिद ई पागार खानदान लाए पांजी सोच तब्दील करणी पवंदी नई तहकीक करणी पवंदी मञणो पवंदो त सिंधन जो हिकड़ो बागी काफिलो आए हुरन जो काफिलो संदन जो काफिलो आए मलबून लेखक दो दो चाँडियो।